नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइज, हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज़, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर वन गाइज, MS धोनी ने पतिराना को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। MS धोनी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पतिराना ने रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलनी चाहिए, उसने सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स खेलने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करनी चाहिए खुद के लिए, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो ICC टूर्नामेंट्स में काफी ज्यादा काम आ सकता है श्रीलंका को, और उसे फिट रहने के लिए ये करना पड़ेगा। श्रीलंका ने उसे सिर्फ क्रुशियल टाइम पर ही खिलाना चाहिए और श्रीलंका ने उसके फिटनेस पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो ICC टूर्नामेंट्स में अवेलेबल हो। वो एक बड़ा असेट है श्रीलंका के लिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक यंग प्लेयर है, और जब वो लास्ट टाइम आया था तब वो काफी ज्यादा लीन था, लेकिन अभी उसने अपने थोड़े मसल्स बढ़ा दिए हैं और अब वो स्ट्रांग दिख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो श्रीलंका के लिए काफी टाइम तक खेलेगा। और अगर आप देखें तो जिसकी एक्शन क्लियर नहीं होती उसे पिक करना इजी नहीं होता, लेकिन इसके साथ उसके पास कंसिस्टेंसी, वेरिएशन और पेस है जो उसे स्पेशल बनाती है। बस अब इंपॉर्टेंट यही है कि कितनी क्रिकेट वो खेलता है। नंबर टू गाइज, मुजुमदार ने इंडिया टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्क्वाड को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। मुजुमदार ने कहा कि मैं वही बात पर स्टिक रहूंगा जो बात मैंने कही थी, आपको टेस्ट टीम में जेन्युइन कीपर की जरूरत होती है जो थोड़ी फार बैटिंग कर सके। KL राहुल बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है मेरे लिए, टेस्ट मैचेस में वो ओडिया और T20 क्रिकेट में करता है तो ठीक है, लेकिन टेस्ट मैचेस में स्पेशली इंग्लैंड जहां बॉल ज्यादा स्विंग होती है वहां आपको जेन्युइन कीपर लगता है। और अगर आप देखें तो KL राहुल इंजर्ड हो गया है, जो कि अनफॉर्चुनेट बात है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ईशान किशन ये बेस्ट ऑप्शन है और उसका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। और हम KL राहुल और KS भरत के बारे में क्यों इतना बात कर रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत ये इंजर्ड हुआ है, इसलिए अगर आपको मैन टू मैन रिप्लेसमेंट चाहिए तो पंत की क्लोज सिर्फ ईशान किशन ही है, इसलिए मैं तो उसे ही फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा और उसे अपने टीम में रखूंगा। KL राहुल ये बेटर बैट्समैन जरूर है, लेकिन ईशान किशन ये बैटिंग के साथ अच्छी कीपिंग भी करता है और इंडिया को लेफ्ट हैंडर भी मिल जाता है मिडल ऑर्डर में। नंबर थ्री गाइज, आरपी सिंह ने मोहम्मद सिराज को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आरपी सिंह ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब उसने टीम इंडिया को ज्वाइन किया था तब उसका ग्राफ काफी ज्यादा हाई था, लेकिन बाद में वो स्लोली फॉल होते गया, लेकिन एक बात अच्छी है कि उसने काफी ज्यादा वर्क किया है अपने बॉलिंग के ऊपर और उसने अपनी फिटनेस भी अच्छी की है, और फिटनेस ही उसके लिए मेजर रोल रहा है। और अगर आप अभी उसकी टेक्निकल बिट देखोगे तो उसने काफी ज्यादा वर्क किया है अपने रिस्ट पोजीशन पर, जिसके चलते वो अच्छा बाउंसर डाल सकता है और वो स्टंप टू स्टंप लाइन भी डाल पाता है, और वो एक रिप्लेसमेंट प्लेयर बन सकता है जसप्रीत बुमराह का, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसे ही अपने पर वर्क करता रहा तो वो नेक्स्ट मोहम्मद शमी भी बन सकता है इंडिया के लिए। और मोहम्मद सिराज के पास अच्छा अग्रेशन भी है, जिसके चलते वो और भी ज्यादा फोकस हो जाता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने फिटनेस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और खुद को इंजोर होने से बचाना चाहिए। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।